हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी है जहां हमें अक्सर ही कई लव स्टोरीज बनती हुई तो कई लव स्टोरीज टूटती हुई दिखाई देती हैं। और इन्हीं में से एक नाम आता है बेहतरीन एक्टर नाना पाटेकर और बंगाली ब्यूटी मनीषा कोइराला का, जिन्होंने अपने समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर अपनी बेहतरीन फिल्मों का जलवा बिखेर कर राज किया था। लेकिन आज हम आपको उनकी फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि इनके लव अफेयर से जुड़े ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से इनके इस खूबसूरत रिश्ते ने दम तोड़ दिया था। जहां नाना पाटेकर ने उनके साथ इस तरह चीट किया कि आज भी मनीषा कोइराला उनके इस धोखे को भूल नहीं पाई है। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के लव अफेयर के बारे में। दरअसल नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की मुलाकात 1996 में हुई थी, जिस दौरान दोनों ही फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग कर रहे थे, जहां शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती गहराई और ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। हालांकि इनके लव अफेयर के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इन दोनों ने संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में साथ काम किया तब इन दोनों के लव अफेयर के चर्चे भी आम हो गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि फिल्म में दोनों ने बाप बेटी का किरदार निभाया था, लेकिन इस फिल्म के दौरान इनकी नजदीकियों ने काफी लाइमलाइट बटोरी थी और इसी दौरान हर जगह इनके प्यार के किस्से काफी सुर्खियों में बने रहते थे। जहां एक तरफ ये पर्दे पर बाप बेटी की जोड़ी में नजर आ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ दोनों की प्यार की दास्तां यहीं से शुरू हुई, जहां नाना पाटेकर के पड़ोसी ने ये बात कबूल की कि मनीषा कोइराला नाना पाटेकर से मिलने आया करती हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कबूल किया था कि मनीषा कोइराला उनकी मम्मी और उनके बेटे से मिलने आया करती थीं, जहां फिल्म खामोशी के बाद इन दोनों के लव अफेयर को हर कोई जानने लगा था और दोनों के प्यार की शुरुआत काफी खूबसूरत हुई थी। लेकिन आगे का सफर इनके लिए इतना ही दर्दनाक साबित हुआ क्योंकि कुछ समय बाद ही दोनों के लव अफेयर ने झगड़े का रूप ले लिया और मीडिया में लड़ाई झगड़े की खबरें सुनने को मिलती रहीं। इसकी वजह ये थी कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर इतने ज्यादा पॉजेसिव थे कि दोनों ही एक दूसरे पर पाबंदी लगाना शुरू कर चुके थे। और नाना पाटेकर ने तो मनीषा कोइराला को रिवीलिंग ड्रेसेस और उनके को-स्टार्स के साथ इंटीमेट सीन करने तक से साफ मना कर दिया था, और इसी दौरान मनीषा कोइराला इन बातों को मानते हुए नजर आ रही थी। लेकिन नाना पाटेकर को डेट करने से पहले उनका दिल सौदागर फिल्म के अभिनेता विवेक मुसरान पर भी आ चुका था। दरअसल मनीषा कोइराला की पहली फिल्म सौदागर में विवेक मुसरान के साथ इनके रिलेशनशिप हर किसी के लिए आम हो गए थे। इस दौरान नाना पाटेकर के साथ आयशा झुलका के लव अफेयर की खबरें आम होने लगी थीं, और जाहिर सी बात है कि मनीषा कोइराला इन सभी बातों को लेकर इनसिक्योर होने लगी थीं। शादीशुदा होने के बावजूद नाना पाटेकर नेपाली ब्यूटी मनीषा कोइराला और उसी दौरान एक्ट्रेस आयशा झुलका को भी डेट कर रहे थे। दोनों के बीच साल 2003 में आई फिल्म आज की शूटिंग के दौरान नजदीकियां बढ़ी। फिल्म में आयशा और नाना के बीच इंटीमेट सीन फिल्माए गए थे, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और लिव इन में रहने लगे थे। हालांकि नाना शादीशुदा थे, उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच भी अफेयर चल रहा था। जब नाना और आयशा की नजदीकियां बढ़ी तो मनीषा काफी पॉजेसिव हो गई थी। एक दिन मनीषा कोइराला ने आयशा झुलका को नाना के कमरे में साथ देख लिया। इस घटना के बाद मनीषा चाहती थी कि नाना अपनी पत्नी को तलाक दे दें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद मनीषा ने उनसे दूरी बना ली, जिसके बाद मनीषा कोइराला ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही सही समझा और उन्होंने लगभग 11 से ज्यादा अभिनेताओं को डेट किया। लेकिन इन सभी के बाद मनीषा कोइराला ने एक नेपाली बिजनेसमैन से शादी कर ली, पर कुछ समय बाद मनीषा कोइराला ने अपने हस्बैंड से भी तलाक ले लिया था क्योंकि उन पर आरोप था कि वो उन्हें मारते पीटते हैं, जिस वजह से मनीषा कोइराला घरेलू हिंसा की शिकार हुई थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी शादी को भी खत्म कर दिया। पर आज भी नाना पाटेकर मनीषा कोइराला को भुला नहीं पाए हैं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जो कि मनीषा कोइराला की इनसिक्योर होने की वजह से इनके इस खूबसूरत रिश्ते ने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नाना पाटेकर जब मनीषा कोइराला को डेट कर रहे थे तब आयशा झुलका के साथ इनका लिव इन में रहना सही था या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।